कैंडी क्राइम मिस्ट्री सीरीज जो कि हाल फिलहाल में ना वोट पर कर दी गई रिलीज, और ये मैंने देख लिया पूरी तरीके से। अब देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इसे देखे ना देखे, अपना टाइम देना दे, उसके लिए तो आपको इस रिव्यू में बने रहना होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले बता दूं, इस सीरीज को देखने के लिए आपको 8 एपिसोडों को देखना होगा जो करीबन 35 से 45 मिनट के अराउंड बैठ रहे हैं। जी हाँ, यानी कि काफी अच्छा खासा समय लेने वाली है आपकी ये सीरीज। और इस सीरीज को 80 प्लस में रखा गया है क्योंकि इसके अंदर आपको किस कास्ट के सीन ही नजर आएंगे और एक ब्रूटल सी जो हत्या है वो नजर आएगी, यानी कि काफी खौफनाक। जिसे देखने के बाद दिल दहल भी सकता है या मचल भी सकता है। अब ज्यादा स्पॉइलर नहीं फैलाते, सबसे पहले मैं कास्ट की बात कर लूँ तो कास्ट में आपको रोनित रॉय नजर आने वाली है, साथ में ऋचा चड्ढा इसमें नजर आएंगी। अब वहीं बात करेंगे स्टोरी मोड क्या था इन एपिसोडों के अंदर, जो भी मैंने देखे यानी कि 8 एपिसोड देखें यार, तो मैं जो बताना तो जरूरी बनता है। अब ज्यादा स्पॉइलर फैलाते सीधा स्टोरी पाते, तो स्टोरी फोकस कर रही है एक शहर के ऊपर जिसका नाम है रुद्रकुंड। जी हाँ, इस शहर को जितना बाहर से आप देखोगे इतना सुंदर लगेगा, लेकिन अंदर से काफी ज्यादा डार्क ये शहर है और काफी ज्यादा इसके अंदर डार्क सीक्रेट भरे हुए हैं। तो उस शहर के अंदर ना एक स्टूडेंट की मौत हो गई है या मर्डर हो गया कह सकते हैं, बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे मार दिया गया, इतनी खतरनाक किलिंग की गई है, उसे देखने के बाद दिल तो दहल ही जाएगा। इस केस को सॉल्व करने आएंगे डीसीपी रत्ना और साथ में उनके प्रोफेसर जैन। जी हाँ, वो इस केस को ना सॉल्व करने चल देते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये जो मर्डर है ना कोई मसान बाबा कर रहा है, यानी कि कोई मसान कर रहा है, वो शहर में वापस आ चुका है। और कुछ लोगों का कहना है कि भैया कैंडिंग में जो भी ड्रग्स लेके जंगल की ओर जाता है या बाहर जाता है वो मर जाता है, उसे मसान बाबा मार देता है। और वो मसान आदमी है या कोई चुड़ैल भूत या कुछ भी है, यानी कि तो ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, समझ गए। अब बात के लिए स्टोरी कैसी लगी, तो सबसे पहले बता दो स्टोरी का जो प्लॉट है कुछ नया नहीं, इसी तरह की काफ़ी सारी सीरीज आ चुकी है जिसमें ऐसे ही थ्रिलर और ऐसे ही प्लॉटों का इस्तेमाल किया गया है। जी लेकिन इसके अंदर कुछ से डिफरेंट आपको यूनिक पॉइंट लगेंगे और कुछ प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आपको यूनिक डाल के दे दी, ताकि आपको लगे ना कि आपको कोई पुरानी सीरीज सौंपी जा रही है। लेकिन ये सीरीज आखिरकार एक तरीके से आप कह सकते हो कि एवरेज सीरीज है। अब वहीं बात कर लें इसका स्क्रीन प्ले आपको बताता है कि ये सीरीज आपको देखनी नहीं देखनी। ऐसे ही मैंने फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया और थर्ड एपिसोड तक भाई मैं बताता हूं कि इस कहानी का जो प्लॉट है ऐसे सेट किया गया है कि कैरेक्टर को डेवलप करते करते ही आप ही बोर हो जाओगे इन तीन एपिसोड में। जी हाँ, लेकिन चौथे एपिसोड के आने के बाद ऑडियंस है ना एक तरीके से एंगेज हो जाती है, वहीं से बन जाती है, क्योंकि सस्पेंस थ्रिल वहीं से स्टार्ट होती है। और जो वर्चुअल किलिंग वगैरह की चीजें दिखाई जाती है ना, जो इतनी खतरनाक हो रही है जंगल में, उनके डार्क सर्किट वगैरह वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि पांचवा जो एपिसोड है और छठा एपिसोड काफी ज्यादा आपको इंप्रेस कर देगा, यानी कि जो आपके तीन एपिसोड है उनकी सारी की सारी कमी पूरी करने वाला और छठा एपिसोड। तो बात करें कैरेक्टर राइटिंग की, तो कैरेक्टर राइटिंग भी ठीक ठाक थी। वहीं बात करें इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो काफी अच्छी खासी है। जिस हिसाब से इसका VFX और सिनेमोग्राफी पे काम किया गया वो तो भाई देखो ठीक ठाक था, बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक था आप कह सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ चीजें खलेंगी कि इसके जो एपिसोड थे उनकी एडिटिंग काफी अच्छी तरीके से नहीं की गई। जिस हिसाब से इसका जो 13 एपिसोड थे ना उनकी एडिटिंग इतनी लंबी है, लेकिन लास्ट का जो एपिसोड है ना वो आपको लगेगा कि काफी ज्यादा स्पीड से निकल गया है। यानी कि इस एपिसोड को आप 2 एपिसोडों में भी कर सकते थे, यानी कि इस कहानी को 2 एपिसोड में आप दिखा सकते थे। लेकिन भाई जैसे ही भाई एंड होता है कहानी का, तो सीरीज के जो एपिसोड हैं वो आपको काफी ज्यादा छोटे लगने लग जाते हैं। जिस हिसाब से इस स्टोरी का जो सीजन 2 का सेटअप है सेट किया गया वो मुझे ना थोड़ा हल्का सा लगा, यानी कि आप तो कामयाब हो गए अपना सीजन 2 सेट करने में, लेकिन भाई इतनी जल्दी जल्दी चीजें दिखा दी गई, जिस हिसाब से लग रहा था कि सीजन 2 को दिखाना चलो मानते आएगा आएगा, लेकिन इसके लिए तो आप आराम से टाइम लेके दिखा सकते थे। काफी जल्दी जल्दी चीजें दिखा दी जो आपको चुभ सकती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वहीं बात करूं इस फिल्म के जो एक्टर थे उनकी परफॉर्मेंस, तो भाई दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, यानी कि रोनित राय और ऋचा चड्ढा ने भी। बात करें आपको देखनी देखनी, तो मैं पहले बता चुका हूँ ये 80 प्लस में रखी गई है, किस कास्ट के कुछ सीन नजर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप ऐसी सीरीज को देखना चाहते हो इस प्लॉट पर आधारित, आपने कोई और सीरीज नहीं देखी तो आपको ये इंप्रेस लगने वाली है, लेकिन आपने देख रखी है तो आपको काफी ज्यादा एवरेज और डिसेंसी सीरीज ये लगेगी, तो आप इसे जाके वोट पर देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको इंस्टाग्राम पर, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर जाके ले सकते हो इंस्टाग्राम पर। जी हाँ, चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखें। जब तक के लिए बाय बाय।